हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ओल्ड 90s का जो साड़ी पहनने का स्टाइल था, जो क्लासिक है, जो एवरग्रीन रहता है, ऑलवेज गोना बी इन स्टाइल, उसको कैसे आप मॉडर्न वेज में भी उसको कैरी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस सिंस द 90s एंड द 2000s। आप देखेंगे कि 2021 और 22 से तक और 90s से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है साड़ी वेयरिंग में, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो। सिर्फ साड़ी हो तो ब्लाउजेस में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। दिस लॉट ऑफ स्किन शोइंग। पहले किस में फुल स्लीव होते थे, 3-4 स्लीव, 5 स्लीव होते थे। स्लीव पैटर्न में अभी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो आप अगर क्लासिक 90s का स्टाइल भी अगर अपनाएंगे तो भी एक बहुत अच्छा स्टाइल स्टेटमेंट कर सकेंगे। सो लेट्स टेक टिप्स फ्रॉम द 90s। अगर आप क्लासिक और वेरी एक एवरग्रीन लुक देना चाह रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट लुक होता है, तो आप एक ब्लाउज पीस को, अपना ही मॉडर्न ब्लाउज पीस को आप 90s की तरह स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 90s की तरह ब्लाउज पीस सिलवाना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ब्लाउज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हुए हैं 90 से लेकर 2000 तक। आप देखेंगे कि ब्लाउजेज जो पहले होते थे सारे कंसील्ड होते थे, मटेरियल भी काफ़ी डिफरेंसेस होता है। आप देखेंगे कि ज्वेलरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे कि आजकल के जो ब्लाउजेज है उसमें कॉर्सेट्स होते हैं, कॉर्सेट ब्लाउजेज देखेंगे आप, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट नेक पैटर्न्स, बैक पैटर्न्स, देयर आर टाई अप्स एंड लटकन्स, और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है आजकल के ब्लाउजेस में। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको कौन से तरीके के ब्लाउजेस पसंद हैं और कुछ तरीके की साड़ी पसंद आई।